हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक बेटा हमने मीन फाइंड आउट करना सीखा, मीन के बाद हमने मीन डेविएशंस फाइंड आउट की हैं, और मीन डेविएशन हमने अबाउट मीन और मीडियन दोनों ही फाइंड आउट की हैं। फिर हमने फाइंड आउट किया बेटा स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमने फाइंड आउट की हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट द वेरिएंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है विद द सेम इंटरवल्स, तो हाउ यू कैन कंपेयर दीज टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंपेयर करने के लिए बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोफिशियंट ऑफ वेरियंस के बारे में। वेरियंस हमने कल निकालना सीखा था, आज हम कोफिशियंट ऑफ वेरियंस की बात कर रहे हैं। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वोशेंट ऑफ वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन है वो है इस तरह से, आप इसको न्यू भी बोल सकते हैं और न्यू नेम देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालेंगे इसकी हेल्प से। यानी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ वेरियंस। ओके, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमने बात की थी कंपेरिजन की, तो हम क्या कह रहे हैं? द सीरीज, जो आपकी सीरीज होगी हैविंग ग्रेटर सीवी, यानी एक वो सीरीज जिसकी सीवी या जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरियंस कैसा होगा? ग्रेटर होगा, इज सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको हम? मोर वेरिएबल देन द अदर। यानी जिसका भी कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस, जिसका भी सीवी अब ग्रेटर आएगा, वही क्या कही जाएगी? वही आपको मोर वेरिएबल कही जाएगी, उसी को हम मोर वेरिएबल कहेंगे। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करते हैं, और साथ में क्या कहा जाएगा? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम ये कह रहे हैं कि उनका जो मीन है, इट मे बी पॉसिबल कि दो सीरीज का मीन तो सेम है। यानी हम कह रहे हैं कि फॉर टू सीरीज विद इक्वल मीन, कि आपने मीन निकाला है उनका दोनों सीरीज का, देन द सीरीज विद, किस पे डिपेंड करी चीजें फिर? विद ग्रेटर एस डी, then the series with greater SD is called more variable, इसका मतलब अगर mean same आ गया तो हमें coefficient of variance निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या कहेंगे साथ ही? सीधा ही आप लिख सकते हैं, और साथ में हम कह सकते हैं also the series with lesser SD, और वेरियंस, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो आप या वेरियंस देख लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है इनमें, कंपेयर करना है। इज सेड टू बी, जिसका कम एसडी होगा उसको क्या कह रहे हैं हम? इज सेड टू बी मोर, क्या कहेंगे? मोर कंसिस्टेंट देन द अदर। यानी कंपेयर करना है आपको
तो अगर मीन सेम है, यानी इफ द मीन टू टू सीरीज विद इक्वल मीन, देन द सीरीज विद ग्रेटर एस डी इज कॉल्ड मोर वेरिएबल. जिसका एस डी ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल हो जाएगी, जिसका एस डी कम होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो मोर कंसिस्टेंट बन जाएगी. तो डिपेंड किस पे कर रही हैं चीजें, एस डी पे कर रही हैं. कब कर रही हैं, जब मीन सेम है. और कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस है एस डी अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाई 100. तो मीन सेम होना का मतलब आप सिर्फ एस डी से ही कंपेयर कर सकते हैं इफ द मीन इज सेम. अगर मीन सेम नहीं है तो फिर आप प्रॉपरली कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस निकालेंगे. तो ये डिपेंड करता है आपके गिवन डाटा के ऊपर या आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से गिवन है आपको. हाँ जी, इसी के अकॉर्डिंग अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में दो फॉर्म्स का एनालिसिस दिया हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 15.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3. देखिए, दो फॉर्म्स का एनालिसिस है और क्या एनालिसिस है उस पे ध्यान देंगे. दिस इज फॉर्म ए ए और दिस इज फॉर्म बी. इस तरह से मैंने लिख लिया है. यहां पे क्या क्या डाटा है आपके पास उस पे नजर डालते हैं. नंबर ऑफ अर्नर्स, नंबर ऑफ अर्नर्स 586, और इसके साथ ही ये दिया हुआ 648.